मशाल मशाल एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्या आप बता सकती हैं डॉक्टर रावत कहाँ होंगे? सर, उनका शिफ्ट तो पूरा हो चुका है, वो घर चले गए हैं। घर चले गए? घर कैसे जा सकते? अभी अभी तो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्हें मेरी वाइफ को अटेंड करना था। क्या हुआ सर आपकी वाइफ को? कुछ भी नहीं, आप प्लीज डॉक्टर रावत को बुला दीजिए। सर मैं बोल रही हूँ ना, डॉक्टर रावत घर चले गए हैं। आप बताइए आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ और भी अच्छे डॉक्टर हैं, वो आपकी वाइफ को अच्छे से अटेंड कर लेंगे। मिस्टर सिन्हा, डॉक्टर रावत अजीब नर्सेस हैं आपके यहाँ की, ये बोल रही थी कि आप घर चले गए। आप मेरे साथ, तुम जाकर देखो इमरजेंसी में सब ठीक है या नहीं। वो एक्चुअली इन लोगों को कुछ पता नहीं है ना, ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्व ठीक नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। वैसे आपकी बात हो गई थी बॉस से? हाँ। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, हाँ वो डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं। जी चलिए। सर, ये बच्चा, ये तो प्रेग्नेंट नहीं थी ना? तुम जाकर देखो 12 नंबर वाले पेशेंट की तबीयत कैसी है, एंड रिपोर्ट टू मिस्टर शर्मा। यहाँ क्या हो रहा है इसमें टाइम वेस्ट मत करो, गो। मिस्टर सिन्हा, आपके पेपर्स रेडी हैं। ये प्रेगनेंसी के, ये हॉस्पिटल के बिल्स और ये बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ साइन करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, उम्मीद है आपको हमारी सर्विस पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, यू पीपल आर ग्रेट, और आपके बारे में बाकी लोगों को भी रेफर करूँगा। ओके, मैं बाकी के बिल्स की कॉपी भी आपको दे दूंगा। एक औरत जो गर्भवती नहीं थी, रातों रात एक बच्चे की माँ बन जाती है। एक आदमी जो उस बच्चे का किसी सामान की तरह मोल भाव कर रहा था, उस बच्चे के रंग, उसके लिंग पर कम ज्यादा दाम की बोली लगाई जा रही थी। ये क्या गोरख धंधा चल रहा था उस हॉस्पिटल में? नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और आपका हमारे इस कार्यक्रम मशाल में स्वागत है। बच्चों का जीवन में आना सपनों भरी नई जिंदगी की शुरुआत होता है। उसकी आने की खुशी, उसके पहले कदम, उसकी शैतानियां जिंदगी को खुशनुमा तजुर्बा, खूबसूरत आयाम देती हैं। मगर जब यह खुशी किसी को किसी से खरीदनी पड़े, तब मैं बात कर रहा हूं बेबीज ट्रैफिकिंग की। हमारे देश में हर साल हजारों नवजात शिशुओं को कई माओ की गोद से चुराकर ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता है, और इस रैकेट को बढ़ावा देती हैं कुछ संतानहीन लोगों की मजबूरियां, जिन्हें फंसाकर ये लोग अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। हमारी ये कहानी भी ऐसे ही एक कपल की कहानी है जो अभी तक इस खुशी से वंचित थे। अनुज, तुम्हारे लिए, तुम्हें मुझे शूट करना कितना पसंद है, इसलिए तुम्हें याद है कैसे हम कैमरा के लिए बच्चों जैसे झगड़ा किया करते थे? वैसे तुम भी तो बच्चों से कम नहीं थे, कैसे अपने माँ बाप से जिद की थी, झगड़ा किया था, उनकी रजामंदी के बगैर शादी की हमने, बहुत सारी मुश्किलें आई जिंदगी में, पर तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, बस एक ख्वाहिश थी जिंदगी में कि एक प्यारा सा नॉटी सा बच्चा हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मगर
शादी के 4 साल बाद भी, मगर तुम कहते थे ना कि देर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग आफ्टर एवरी डार्क स्टॉर्म. ऐसी एक उजाले की किरण हमारी जिंदगी में आई. आइए आप लोग बैठिए, मैं राजदीप जी को बुला के आती हूँ. राखी, it will be going to be tough. You all okay ना? मैं ठीक हूँ. Tough है तो tough से. Let's do it. Okay. जी, जी मैं आपको करता हूँ. ठीक है जी. Hello, how are you? I'm fine, you say? I'm good. Namaste. Namaste. और बताइए. सब ठीक है सर. वो आप papers के बारे में बात कर रहे थे. जी हाँ, मैंने आप लोगों के पेपर्स चेक किए हैं, बट क्या है कि थोड़े से और फॉर्म्स आपको फिल करने होंगे. चाय लीजिए प्लीज. इसमें आपने सौंफ डालिया? जी मुझे सौंफ वाली चाय ज्यादा पसंद है. आपको पसंद नहीं आई, दूसरी मंगवा दूं? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी है. ऐसी चाय पिए तो बरसों हो गए हैं. ऐसी चाय हम लोग मेरठ में पीते हैं. अच्छा, आप लोग भी मेरठ से हैं? जी हाँ, हम दोनों मेरठ से हैं. आप मेरठ में कहाँ रहते हैं? लाल बाजार. मेरे बाबूजी की वहाँ पर गोटे और दुपट्टे की दुकान है. नीचे दुकान है और ऊपर मकान. अब मेरठ छोड़े हुए अरसा हो गया है, पर फिर भी साल में एक दो बार वहाँ पर जाना हो जाता है. जब भी जाता हूँ तो वहां से मैं मसाले खरीद के ले आता हूँ. अरे ये बता के तो आपने गलती कर दी. अब मैडम जब अगली बार आएंगी ना तो मसालों की लिस्ट लेके आएंगी. अरे कोई बात नहीं, अभी दिवाली में जाना होगा वहां पर. इस बार दिवाली में आप भी घर जाएंगे है ना? क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि हम अपने घर नहीं जा सकते. क्यों? वो दरअसल बात यह है कि हम दोनों ने भाग की शादी की और हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे. और आप तो जानते ही हैं, मेरे जैसे छोटे शहर में बात आग से भी तेज फैलती है. और फिर उनका वही रोना धोना, इज्जत खराब हो गई, नाक कट गई वगैरह वगैरह. वो हमसे शर्मिंदा थे और हम उनसे शर्मिंदा. इसलिए हमने सोचा कि वो भी शांति से रहें और हम भी शांति से रहें. इसलिए पिछले 4 साल से हम घर नहीं. इतनी सीरियस बात आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जी मतलब? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे आपकी सारी डिटेल चाहिए. आपकी पर्सनल, फाइनेंशियल, हेल्थ, शादी की बात, आपकी पेरेंट्स से अनबन. आपको मालूम है कि बच्चे के अडॉप्शन के अंदर में ये सब चीजें कितनी मैटर रखती हैं? आपको मालूम है कि बच्चे के अडॉप्शन प्रोसेस में कितनी प्रॉब्लम आती है? पर कैसी प्रॉब्लम सर? देखिए, हमारा एनजीओ सारे बैकग्राउंड चेक करके ही बच्चे के अडॉप्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाती है. इसमें फैमिली बैकग्राउंड और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. जब आपने मुझे ये बताया कि आपकी आपके पेरेंट्स के साथ में अनबन है, नहीं बनती, ये एक बहुत ही सीरियस डेलिकेट इशू है. आई एम सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा. बट हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ इश्यूज है, इससे बच्चे का क्या लेना देना? हम लोग फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज साउंड है, बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकते हैं. देखिए मैडम, 10 तरह की चीजें होती है. बच्चे को अडॉप्ट करना ही काफी नहीं होता, वो किस मनोस्थिति में पल रहा है ये भी हमें देखना पड़ता है. आपके पर्सनल मैटर उस बच्चे पर कोई असर तो नहीं डाल रहे, ये सब चीजें देखना हमारी जिम्मेदारी है. देखिए आप लोग यहां से जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए और जब भी कुछ होगा तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगा. ठीक है? मिलते हैं आपसे. थैंक यू.
आप इस मामले में हमारी कुछ हेल्प कर सकती हैं क्या? एक्चुअली आप लोगों को ये सब कुछ पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। ये आप लोगों की ही गलती है और अब इसमें मुझ पे भी बात आएगी कि बिना देखे सोचे समझे कैसे मैंने आप लोगों को रेफर कर दिया। बट मैम, इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ना आपके पास? हाँ। एक मिनट, मैं आपको एक फॉर्म देती हूँ, आप उसे भर लीजिए। बट मैम, ये तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये सारी फॉर्मेलिटीज तो सब पहले। हाँ, लेकिन फिर दोबारा ये सब कुछ करना पड़ेगा और इसका 10,000 रुपीज लगेगा। 10,000 रुपये? पर वो किस बात के? वो मेरी फीस है। फीस? फीस किस बात की? आपके पति एकदम बच्चों जैसे सवाल करते हैं। आपको बच्चों की जरूरत ही क्या है? आप लोग जाइए प्लीज, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा मैडम, चेक चलेगा? चेक नहीं, ओनली कैश। कैश तो मेरे पास इतना होगा नहीं। रुको, मैं देखता हूँ। ये लीजिए। पेन। ठीक है, अब आप लोग मुझे अगले हफ्ते आके मिलिए। ओके। कुमार? 1 लाख सर। रोहन? 1.5 लाख। अमृता? 3 लाख। रिहाना? 4 लाख। टोटल कितने बिके और कितना प्रॉफिट हुआ? टोटल 8 बच्चे सर, और प्रॉफिट है 15,70,000। ये तो राउंड फिगर भी टच नहीं किया, क्या कूड़ा कचरा लेकर आए हो इस बार? इस बार किसी को कमीशन नहीं मिलेगा, समझ लेना। ऐसा नहीं है सर, कल ही नया माल डिलीवरी किया है इलाहाबाद के लिए, वो अपना रामा भैया के पास, उसका 5 से 6 लाख मिल जाएगा। अगर नहीं मिला ना, तुम्हारी जीप से जाएगा। मुझसे पूछा मैंने क्यों बुलाया है, इशारा करने से कोई जवाब नहीं मिलेगा। नहीं सर, वो मैं। जी सर, चलो। राखी और अनुज का बैकग्राउंड जाने बिना तुमने उन्हें रेफर क्यों किया? जानती हो पेपर्स में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है? जानती हूँ सर, तभी तो रेफर किया है। बड़ी समझदार हो गई हो तुम। हाँ। बाकी बच्चों का क्या स्टेटस है? रांची और इलाहाबाद से राकेश 5 बच्चों को उठाकर तो ले आया है, लेकिन पुलिस ने सर्च स्टार्ट कर दी है। बड़ा बेवकूफ आदमी, उसको बोला था कि हॉस्पिटल से बच्चे लेकर आए, बाहर से लाने की क्या जरूरत थी? लू की वजह से हमारा काम धंधा चलता है। राकेश जैसी है मेरे पास भेजना। जी सर। ये अनु जो राखी, क्या समझाया तुमने? मैंने उनको सिर्फ फॉर्म्स दिए सर, और अगले हफ्ते आने के लिए बोला है, बाकी उनसे मेरी कोई भी बात नहीं हुई। ठीक, अभी उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है। ठीक। सर, इसे गोवा वाला कपल ने सेलेक्ट किया है डोमेस्टिक हेल्प के लिए, लेकिन ये है कि आनाकानी कर रही है। रोगी तो नहीं? जाना है ना, तो रोने का नहीं है। डॉक्टर रावत का फोन आया था, उन्होंने अपने 7 लाख रुपए मंगवाए हैं। मशाल, मशाल, मशाल। इधर आओ। क्या हुआ? हाँ, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। हाँ, भेजेंगे आपको आपके मम्मी पापा के पास में, वो भी गोवा। वहाँ आपको बहुत सारी आइसक्रीम मिलेगी, चॉकलेट मिलेंगे,
नए नए कपड़े मिलेंगे और खेलने के लिए बहुत बड़ा बीच मिलेगा जिस पर आप रोज पानी में खेल सकते हो। कहाँ गरीबों की तरह कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ पर जिंदगी गुजारते हैं आप, है ना? जाओगी ना गोवा मम्मी पापा के पास में? रोगी तो नहीं? जाना है ना? तो रोने का नहीं है, चलो अच्छे बच्चे की तरह आंसू पोसो अपने। ठीक है चलो जाओ अभी। अपनी संस्था की आड़ में राजदीप एक घिनौने अपराध को अंजाम दे रहा था। सिर्फ कुछ पैसों के लालच में वो कितने बच्चों की जिंदगी को तबाह कर चुका था। ऐसे काम में उसे भरपूर बढ़ावा दे रहे थे वो लोग जो या तो अपने जज्बातों के चलते मजबूर थे या फिर राजदीप की तरह ही किसी न किसी अपराध जैसे बैगिंग रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन या चाइल्ड लेबर में लिप्त थे। मगर सबसे ज्यादा दुखदाई बात तो ये थी, अनुज और राखी जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने की सारी उम्मीद राजदीप की संस्था पर टिकाई थी, नहीं जानते थे कि वो इस गिरोह के भावी शिकार हैं। राखी बैठो। सिमी भी 2 साल की होती और मैं इसी तरह उसे गार्डन में घुमाने लाती, झूला झूलाती और खूब खिलाती और वो बहुत शैतानी करती। राखी मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पर अपनी इस तकलीफ को अपनी ताकत बनाओ, इस तरह खुद को कमजोर मत बनाओ। राखी तुम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे रही हो बच्चों को, देखो कैसे कामचोर और सुस्त हो गई है, ऐसे तो हो लिया हमारा बिजनेस है। ए लड़की तुम बाहर जाओ। क्या हुआ? डॉक्टर रावत का फोन आया था, उन्होंने अपने 7 लाख रुपए मंगवाए हैं। क्या? एक काम ठीक से नहीं हो सकता तुम लोगों से, सारे के सारे निकम्मे हो गए हो। हेलो। हाँ बॉस बोलिए। मैं क्या बोलूं तुम्हें बताओ यार, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हो यार। मैंने तुम्हें क्या कभी टाइम पर पैसे नहीं दिए? और ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है यार? पैसे फ्री में नहीं दिया आपने, अच्छा खासा काम भी निकलवाया और इस सब के चलते कितना बड़ा रिस्क उठाया मैंने, आपको क्या पता? अच्छा रिस्क तुम ही लेते हो, हम तो हलवा बनाते हैं, है ना? राजदीप ये बीवी जैसे ताने देना बंद करो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक चक्कर हो गया है, किसी ने मेरे खिलाफ हॉस्पिटल में कंप्लेन कर दी है और अथॉरिटीज में से एक सीनियर मेरे खिलाफ इंक्वायरी बिठाने की फिराक में है। उसका मुंह बंद करना है वरना मेरे साथ तुम भी डूबोगे। यार तुम आदमी हो या लाल रंग का झंडा, जब देखो तुम्हारे पीछे कोई ना कोई सांड लगा रहता है। ठीक है हाँ मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे। टाइम लिमिट क्रॉस मत करना वरना ये मुसीबत का सांड तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैं तो पहले ही मरा पड़ा हूँ। समझ गया मैं, शांति रख। अच्छा रखता हूँ। सुनो कल राखी और अनुज को बुला लो। लेकिन सर आपने तो उन्हें 5 दिन के बाद आने को बोला है। देवी जी डॉक्टर अंकल की बात नहीं सुनी आपने? तुम उनको बुला लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है जी सर। प्लीज ओके। सर वो आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे। डोंट वरी वो हम देख लेंगे। थैंक यू। अरे इसमें थैंक्स वाली क्या बात, हम लोग चाहते हैं जो भी कपल हमारे पास में आए वो दुखी मन से वापस ना जाए। आप लोग दुखी रहोगे तो हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं। अरे हाँ बस जरा आप इस पे साइन कर दीजिए। जी ये लीजिए सर। ये हुई ना बात, और अब ये लीजिए, अब जो भी पसंद आए सेलेक्ट कर लीजिए। और हाँ ये रेड मार्क वाले हैं वो सोल्ड आउट हैं, देखिए उन्हें छोड़ दीजिए। ये कुछ नए फ्रेश पीसेस आए हैं, ये 4 महीने का है, ये 6 महीने का है और ये 10 महीने का है।
और लड़का चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा लगेगा, और कलर प्रेफरेंस हो तो उसके लिए आपको पहले से बोलना पड़ेगा। या आप किसी गवर्नमेंट अडॉप्शन सेंटर में चले जाएं, वहाँ के चक्कर लगा लगा के जब आपके पांव के तले और सर के बाल झड़ जाएं ना, तब शायद आपको मेरी याद आए। आप किसी गवर्नमेंट सेंटर में जा भी नहीं सकते। मशाल मशाल सर, ये आप बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हैं ना? और क्या सर, बच्चों के बारे में ही तो बात कर रहा हूँ मैं। देखिए सर, आप बात को समझिए, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाए। आप हमारी हेल्प कीजिए, हम आपकी हेल्प करते हैं। मात्र 5 लाख रुपए का लड़का और 3 लाख रुपए की लड़की, रंग और उम्र का अलग। आप मुझे बच्चा खरीदने के लिए बोल रहे हैं? सर, इतना आसान सा गणित समझने में आपको इतना वक्त लग रहा है? थैंक यू सर, हम यहाँ बच्चा अडॉप्ट करने के लिए आए, खरीदने के लिए नहीं। और आप ये उल्टे सीधे धंधे करके हमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करिए कि आप किसी गवर्नमेंट अडॉप्शन सेंटर में चले जाएं, वहाँ के चक्कर लगा लगा के जब आपके पांव के तले और सर के बाल झड़ जाएं ना, तब शायद आपको मेरी याद आए। और वैसे भी आप किसी गवर्नमेंट सेंटर में जा भी नहीं सकते, क्योंकि आपके तो सारे पेपर ही गड़बड़ है, ना ही आपकी फैमिली बैकग्राउंड सही है और ना ही आपकी इनकम टैक्स की फाइल। इतनी खामियां हैं कि पता चला कि आप अडॉप्शन के लिए गए और पुलिस आपको अडॉप्ट करके ले गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहे हैं आप, मैं झूठ बोल रहा हूं, मगर ये मेरी झूठी कंप्लेन सच में आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा। वो कहते हैं ना कि 24 जी गए थे, 26 जी बनने और 2 जी बन के लौटे। सही कहा है किसी ने, ना खुदा मिलेगा, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहोगे ना उधर के। थैंक यू सो मच सर, अगर यही एक रास्ता है बच्चा पाने का तो हमें बच्चा नहीं चाहिए, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। राखी चलो, हमें एक काले धंधे में नहीं पड़ना। राखी राखी अनुज, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। इसका क्या मतलब राखी? अनुज इस अपराध के खिलाफ था, मगर राखी के मन में क्या चल रहा था? अपने जज्बातों के चलते क्या ये लोग किसी और मां से उसकी गोद की कीमत अदा करवाने वाले थे, या फिर इन दोनों ने इस जुर्म में भागीदार होने से मना कर दिया? ये जानने के लिए देखिए मशाल का अगला एपिसोड आपके अपने चैनल डीडी नेशनल पर। तुमने अपनी बात रख दी, लेकिन मेरे बारे में सोचा कि मुझे क्या चाहिए? उफ, ये औरतें मां बनने की चाहत में सही और गलत का फर्क नहीं समझ पा। अगर मेरा फैसला तुम्हें इतना खटक रहा है ना, तो तुम मुझे बचा दो। सविता जी, इनकी नीड हमारी ग्रीड से ज्यादा बड़ी है। अनुज, राखी जी आइए मेरे केबिन में, राजदीप जी बुला रहे हैं। बेबी कब तक मिल जाएगा? राकेश आ रहा है, तब तक हम लोग मिलकर पेपर कुछ कंप्लीट कर लेते हैं।